हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स हैं इस बार सभी को मालूम है कि जो बीए हो चुका है वह इस बार से सेमेस्टर हो चुका है, और फर्स्ट सेमेस्टर का हम काफ़ी जो है कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं कनेक्ट हो पाए, यानी कि चैनल हिंदी मिरर परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो बन जाइए, क्योंकि ये चैनल आप तक बहुत सारा कंटेंट पहुंचाएगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा, और उसमें जो है बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो आपका सिलेबस डिवाइड है, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनकी हम वीडियो तो बना ही रहे हैं ऑलरेडी, और साथ में आपका जो माइनर सब्जेक्ट है 120 जिसका कोड है, 101 तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, 120 जो आपके कोड है माइनर के, तो वो भी हम अपलोड करेंगे जो सब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं। साथ में आपका जो है VAC, इसमें अलग अलग आपके नंबर हैं, 101 है, 103 है, 105, 108, इस तरह से सभी का ये डिवाइड है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने अकॉर्डिंग इसको लिया होगा, तो इसमें से कुछ नंबरिंग है VAC के, जिसमें 01 है, 05 है, 08 है, ये हम अपलोड करेंगे आपके लिए। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को मालूम हो गया होगा कि जो आपकी डेट शीट आई थी उसमें बता दिया गया था कि 70 नंबर का जो आपका पेपर है वो ज़्यादातर कोर और आपका माइनर में से है, और ये मैंने वीडियो पहले भी एक बार अपलोड की थी, उसमें मैंने सब कुछ आपको क्लियर किया था कि कौन सा आपका MCQ बेस होगा, कौन सा में आपके असाइनमेंट होंगे, कौन सा पेपर आपका 100 नंबर का होगा, कौन सा पेपर आपका 70 नंबर का होगा, सभी कुछ हमने डिस्कस किया था आपसे। लेकिन अब आपके जो हैं असाइनमेंट हो चुके हैं, सभी को मालूम है, जिसके असाइनमेंट नहीं हुए हैं वो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, और ज़्यादातर जो पेपर हैं VAC, लेकिन आपका जो EACC जिसमें आपने H है, K है, अपने हिसाब से आपने लिया है, तो उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे, और वो भी पेपर आपका जो है MCQ बेस ही आएगा। अब यहाँ पर क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा कि MCQ बेस आना है तो MCQ बेस में क्या पैटर्न रहता है पढ़ने का। थ्योरी पढ़नी होती है, रटनी नहीं होती है। जो हम अपने जो एग्ज़ाम देते हैं थ्योरिकल, तो उसमें थोड़ा सा हमें रटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सुनना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि MCQ आएंगे और इसमें MCQs में आपको 40 नंबर लाने अनिवार्य हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पेपर 100 नंबर का होगा उसमें 40 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं, तभी आप पास आउट हो पाएंगे। अब यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपसे, बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत। अब यहाँ पर आपको बता दें वैदिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे VAC 01 में, और जितना भी होगा MCQ बेस होगा। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाई बुक आपको बताएँगे कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं, और नोट्स तो देखो आपको बनाने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चंस आप तैयार करके लेकर जाएंगे जब आप 40 क्वेश्चंस कर पाएंगे, और उसमें बताएंगे कि आपको किस तरह से अपने MCQs के लिए क्वेश्चंस निकालने हैं, तो हम बुक के द्वारा आपको बताएंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो सिलेबस आपका ये डिज़ाइन किया गया है, इसमें 4 सेक्शन में ये डिवाइड है, और हर एक सेक्शन में आपकी 3 से 4 यूनिट हैं। तो यहाँ पर 6 और फिर 4 10 और 4 14, यानी कि 14 आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट आपकी 4 हैं। अब यहाँ पर वेद, वेदांग एवं संहिता के बारे में, वेद का शब्द का अर्थ, स्वरूप। अब देखिए, हमें डेफिनेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, महत्व पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशंस जो पूछी जाएंगी, हो सकता है जो आपका MCQs आए वहाँ पर डेफिनेशन पूछ ली जाए कि ये किसकी है परिभाषा, है ना। वेदांग का परिचय, वर्ण्य विषय, बाकी तो जब बाई बुक हम तैयारी कराएंगे उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से MCQs बनेंगे। बाकी जो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको वो भी आप देखते जाइए। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप, अन्य का अर्थ, परिचय वर्ण्य विषय, उपनिषद का अर्थ, परिचय प्रतिपाद्य, प्रमुख उपनिषदों का सामान्य परिचय। फिर नेक्स्ट 3rd यूनिट में सूर्य सूक्त। अब देखिए, सूर्य सूक्त आपसे पूछा जा सकता है, व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना। इंद्र सूक्त,
अब जब इसकी बाय बुक देखेंगे कि किस तरह से किस पैटर्न पर बुक बनी हुई है, किस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज हमारे निकलेंगे, तभी इन चीज़ों का हमें पता चलेगा। अब आगे है लास्ट यूनिट में सृष्टि की वैदिक अवधारणा, सृष्टि की वैदिक परिकल्पना अवधारणा, अब सृष्टि संरचना एवं स्वरूप। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, एक तो आपसे मंत्र, कितने मंत्र जो हैं कितने हैं, अब जैसे उपनिषद हैं उनमें कितने हैं, पुराण कितने हैं, अब जैसे आपका ऋग्वेद है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, आपके यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, कौन सा मंत्र किसके लिए है, इस तरह के एमसीक्यूज आपके बनने वाले हैं। अब ये काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा है कि मैडम हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दें अभी इसका जो पेपर है ये फर्स्ट चांस हो रहा है, UOU में तो हो ही रहा है, साथ में ये श्रीदेव सुमन के भी फोर्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है वैदिक अध्ययन। पैटर्न जो सिलेबस का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है आपका और उनका, मैं इसके नोट्स भी अपलोड करूँगी अलग से, क्योंकि हम श्रीदेव सुमन के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करेंगे, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, तो बने रहिए। लेकिन आपकी बाय बुक हम तैयारी कराएंगे, उसमें भी आप देखिएगा, शाम तक देखते हैं आपके लिए अपलोड करते हैं, तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए।